आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। वहीं इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही प्रदेश में शिरा नीति को मंजूरी भी मिली और अब माध्यमिक बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा, जबकि पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे। वहीं मंत्री संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय से शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार आएगा। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि 23 में से 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश में शिरा नीति को भी मंजूरी मिली है। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें, आज 23 में से 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है जिसमें शिरा नीति को भी मंजूरी मिली है। बता दें, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही प्रदेश में शिरा नीति को भी मंजूरी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, लोक भवन में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 23 प्रस्तावों में से 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कौन कौन से प्रस्ताव शामिल है जिसपे मुहर लगी है? देखा, प्रस्तावों की बात करें मयूरी, तो यहाँ तमाम तरह के प्रस्ताव थे। ऊर्जा संबंधित था, नगर विकास संबंधित था, सिंचाई संबंधित था और रोजगार नीति संबंधित था। इसके अलावा निवेश से संबंधित था। तमाम तरह के यहाँ प्रस्ताव रखे गए थे। 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अगर प्रमुखता की हम बात करें तो 3 विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2019 के तहत बनाए जाने वाले, उनके मैं आपको बता दूं, एक आपका गाजियाबाद बनाया जाना है, एक नोएडा बनाया जाना है और एक फर्रुखाबाद बनाया जाना है। ऐसी व्यवस्था, ऐसे इस संदर्भ में एक आशय पत्र भी आगत किया गया है। दूसरी अगर हम बात करें सिंचाई परियोजनाओं की, तो कन्हर में भी तमाम हेक्टेयर भूमि दी जाएगी सिंचाई परियोजना के लिए। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी सिंचाई परियोजना के लिए बेहतर काम करते हुए वहाँ पर भी भूमि आवंटन को लेकर बात की जाने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश को यहाँ पर आपको दिखाना चाहती है। निवेश ज़्यादा से ज़्यादा, रोजगार नीति बेहतर हो, इसको लेकर औद्योगिक नीति और रोजगार नीति को लेकर संशोधन भी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो भी निवेशक 500 करोड़ की निवेश करेगा उसके लिए भूमि को सरल तरीके से उसको दिया जाएगा, तो एक व्यवस्था ये लागू की गई है। इसके अगर हम बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो 3 महत्वपूर्ण कमिश्नरेट है, 4 है फिलहाल, नोएडा, अभी नोएडा में नहीं शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, कानपुर, तीनों कमिश्नरेट में जो ग्रामीण थाने हैं वो अब कमिश्नरेट की जड़ में ला गए हैं। अगर हम बात करें लखनऊ में 6 जो थाने हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, अगर हम बात करें बक्सी तालाब हो गया, इटौंजा हो गया, मलियाबाद हो गया, काकोरी हो गया, नगराम हो गया, कुसाईगंज हो गया, ये वो थाने हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, अब ये थाने लखनऊ कमिश्नरेट में आएंगे। इसके अलावा बनारस में जो थाने हैं, लगभग 12 थाने ऐसे थे जो ग्रामीण बनारस में आते थे, अब वो भी बनारस कमिश्नरेट में आएंगे। इसके अलावा कानपुर में 14 थानों को कमिश्नरेट में लाया गया है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पास किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तावों का जो काम होगा उस पर भी लाभ मिलने वाला है आम जनता को। गौरव, जैसे आपने कहा कि तमाम थानों को ग्रामीणों से जोड़ा गया है, तो उससे क्या कुछ बेहतर लाभ मिलने वाला है? देखिए, ग्रामीण से जोड़ा नहीं गया है, ग्रामीण जो थाने थे उनको कमिश्नरेट में लागू किया गया है। जो लखनऊ कमिश्नरेट लागू हुआ था उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्र में आते थे और उनके लिए लखनऊ ग्रामीण तरफ से अलग व्यवस्था की गई थी और SP स्तर का अधिकारी उन थानों को देख रहा था, अधिकारी था, सर्वोत्तम अधिकारी, उच्चतर अधिकारी था। अब यहाँ पर जो लखनऊ के आसपास के जो ग्रामीण थाने थे, मैंने आपको बताया बक्सी तालाब, इटौंजा और मलियाबाद, काकोरी, नगराम, गोसाईगंज, इन थानों को कमिश्नरेट में ला गया है। निश्चित रूप से जब कमिश्नरेट में लाएंगे तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, क्योंकि कमिश्नरेट की प्रणाली अलग है, काम करने का सिस्टम अलग है, तमाम चीज़ें हैं। अब ये भी पुलिस कमिश्नर लखनऊ यामी SB सिरोडकर के अधीन ही होंगे और इनके माध्यम से यहाँ पर जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे हिसाब से काम भी होगा। और निश्चित रूप से जब कमिश्नरी लागू होती है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर बेहतर कानून व्यवस्था लागू होती है और बेहतर परिणाम भी सामने आते हैं। गौरव, सरकार बेहतर शिक्षा नीति लेकर चल रही है, अब माध्यमिक बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा, क्या कुछ इससे बेहतर होगा?
जी जी बिल्कुल बेहतर होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रस्ताव यहाँ पर आया, पारित किया गया है। यहाँ पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा में, यहाँ पर बेसिक शिक्षा में कहा गया है कि एक ही महानिदेशक होगा। अच्छी पहल है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेसिक शिक्षा और अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करें, शिक्षा का चरण बदलता है, व्यवस्थाएं वही रहती हैं, तो यहाँ पर बेहतर प्रबंधन किया गया है और कहा गया है एक महानिदेशक होगा। उसकी सारी जो स्कूल रहेंगे उसके अधीन रहेंगे, निजी स्कूल रहेंगे उसके अधीन रहेंगे, तमाम जो शैक्षिक संस्थान उसके अधीन रहेंगे, तो बेहतर पहल होगी। निश्चित रूप से इससे बदलाव भी देखने को मिलेगा। अच्छी पहल यहाँ पर, अच्छा प्रस्ताव यहाँ पर जो पास किया गया है योगी कैबिनेट की बैठक में आज। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अमेठी में जगदीशपुर सीएचसी अब कमाई का अड्डा बनता जा रहा है। सीएचसी में अब जिम्मेदार मरीजों पर नहीं बल्कि सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते अब मरीजों का हाल बेहाल हो रखा है। इतना ही नहीं, यहां पर जगदीशपुर सीएचसी में तैनात डॉक्टरों की बजाय दूसरी सीएचसी पर तैनात डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो मरीजों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ भले ही मरीज के पैर में पट्टी बंधी हो, इसके बावजूद भी मरीज जमीन में रगड़ता हुआ जाने को मजबूर है। वहीं स्ट्रेचर ना मिलने पर परिजन मरीज को हाथ में उठा कर ले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, जगदीशपुर सीएससी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, मरीजों के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये जगदीशपुर सीएससी है अमेठी में, और ये सबसे ज्यादा सीएससी है। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे उपचार कराने के लिए, क्योंकि ये वीआईपी में एक आता है जिसमें ये कमाऊ अड्डा बन चुका है। जो इसमें राजीव कुमार शुक्ला डॉक्टर है, उनकी नियुक्ति जो है वो जगदीशपुर बाजार शुक्ल में सीएससी में तैनात है, जो यहाँ पे जगदीशपुर सीएससी में उपचार करते नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की हालात की, तो यहाँ के हालात जगदीशपुर सीएससी के ऐसे हैं, ना तो पेशेंट को स्ट्रेचर की व्यवस्था है, ना ही व्हीलचेयर की व्यवस्था है। और आपको बता दें, मरीज अपने कंधों पे और उनको उठा के ले जाने पे मजबूर है। वीरेंद्र, व्यवस्थाओं की बात करें तो कोई भी सुविधा नहीं है, मरीज को हाथ में उठाकर परिजन ले जा रहे हैं, किसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही है? जी आपको मैं बिल्कुल बता दूं कि अगर बात की जाए अव्यवस्था की, तो अव्यवस्था क्या, अधीक्षक को ये मालूम नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि क्या अधीक्षक को ये पता नहीं है कि जो डॉक्टर राजीव कुमार शुक्ला जो सीएससी सुपुर बाजार में तैनाती है, वो इनके सीएससी जगदीशपुर में ये उपचार कैसे कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर इसकी जानकारी सीएमओ को दी गई तो कहीं ना कहीं वो हिला हवाली करते नजर आ रहे हैं। तो वीरेंद्र, इस पूरे मामले पर अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी जी आपको मैं बिल्कुल बता दूं, सीएमओ साहब से जानकारी करने की कोशिश की गई, उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं मीटिंग में हूं, और सवाल सुनते ही उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही सामने देखी जा रही है, क्योंकि इस तरीके से सैकड़ों नर्सिंग होम है, ऐसे जगदीशपुर सीएससी जैसे कई सीएससी हैं जहां पर ऐसी लापरवाही आए दिन सामने देखने को मिलती है। वहीं डॉक्टर ब्रजेश पाठक मंत्री हैं, वो बार बार सीएससी का दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं और अब मरीजों के दुख दर्द को साझा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सफाई को लेके और बहुत सारी सुविधाओं को लेके वो अधीक्षक को निर्देश भी दे रहे हैं कि आप इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पे जगदीशपुर ये ऐसा सीएससी है कि यहाँ पे ये जो जितने भी आदेश हैं, उस आदेश का पालन ना करते हुए यहाँ के डॉक्टर और अधीक्षक ये साफ साफ देखे जा रहे हैं। जी धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर काफी वक्त से मंथन जारी है, साथ ही इस चुनाव के लिए तेज प्रताप के नाम पर परिवार में सहमति बन रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरजीत हमसे जुड़ेंगे। अमरजीत, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकती है। जी जी, सूत्रों के हवाले बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी संरक्षक संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में उप चुनाव होना है। ऐसे में सैफई कुनवे में मैनपुरी से टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लग गई है। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा मैनपुरी से। मुलायम के निधन के बाद खाली हुई सीट। प्रयागराज के केंद्रीय विश्वविद्यालय, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बच्चे पढ़ने आते हैं। प्राइम टीवी के संवाददाता ने जनपद के परिषदीय विद्यालयों की जांच पड़ताल में पाया कि प्राथमिक शिक्षक समय से पहले ही घर चले जाते हैं और प्राथमिक विद्यालय में चारों ओर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो वहीं जनपद में कई दिनों से डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो तस्वीरें कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं प्रयागराज के विकासखंड कौंधियारा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुर्मियान बरौली ग्राम सभा में, और यहां की जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से एक सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर इस समय समय की बात की जाए तो समय 2:37 हुए हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ प्रसिद्धि विद्यालय को 3 तक खुलने का सरकारी आदेश है और ये विद्यालय करीब 2:30 ही इसमें ताले लग गए हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर से शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं कि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है और यहाँ पर नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरें देख कर साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए, ये प्रधानाध्यापक कक्ष है, और अगर समय की बात की जाए तो समय यही 2:37 हुए हैं। अब सोचिए कि एक तरफ जहां शासन परिषदी विद्यालयों को 3 तक के खुलने का आदेश है, वहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदी विद्यालय हैं कोई 2 बंद हो जाते हैं तो कोई 2:30। अब सोचिए कि किस तरीके से शासन के आदेशों की यहाँ पर अनदेखी हो रही है। तस्वीरें देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि परिषदी विद्यालयों में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, एक तरफ संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं प्राथमिक विद्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी बिल्कुल मयूरी, ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार्क क्षेत्र की है जो विकासखंड कौलियारा अंतर्गत बरौली ग्राम सभा है, और तस्वीरें देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से कुंभ नगरी में लगातार डेंगू के जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अगर स्कूल के अंदर जिस तरीके से गंदगी है, आप तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्रसिद्धि विद्यालय के अंदर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहाँ पर जो शौचालय है उसमें दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो जो उसका सेफ्टी टैंक है वो भी टूटा पड़ा हुआ है। ऐसे में नौनिहालों का जो भविष्य है वो खतरे में, वो नौनिहालों की जिंदगी वो खतरे में है, क्योंकि लगातार जो डेंगू के मरीज है उनकी संख्या लगातार प्रयागराज में बढ़ती जा रही है, और इसलिए कहा जा सकता है कि नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरफ जहाँ पूरे प्रयागराज को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देश ही नहीं विदेश तक के छात्र पढ़ने आते हैं, ऐसे में शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले प्रयागराज में शिक्षा की स्थिति इस तरीके से होगी तो निश्चित रूप से बड़े सवालिया निशान को खड़ा करती है। और यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जिस तरीके से वो तस्वीरें हैं, अगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो एक बड़ा सवाल है, और क्यों नहीं की जा रही है, क्योंकि जो वहाँ पे छात्र है बातचीत में उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल है वो करीब 2 ही बंद हो जाता है। अब सोचिए कि जो प्रसिद्धि विद्यालय के जो शिक्षक है वो 2 ही स्कूल में ताला लगाकर अपने घरों को चले जाते हैं, तो ऐसे में जो छात्र हैं, जो वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ भी कहा जा सकता है। जी मयूरी। जी पवन, जिस तरह माँ बाप भरोसा करके अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए विद्यालय भेजते हैं, वहीं टाइम से पहले शिक्षक अपने घर चले जाते हैं,
बिल्कुल मैडरी, देखिए कहावत है, कहा जाता है कि अक्सर गांव की तंग गलियों से ही प्रतिभाएं निकलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करती है। ऐसे में जो इस तरह की जो तस्वीरें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की कि वहां पर जो नौनिहाल है उनके जो पढ़ाई की जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो कितनी बदतर है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मिड डे मील को लेकर कई शिकायतें आती है, बच्चों को समय से खाना नहीं दिया जाता है, बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं की जाती है और स्कूलों में समय से पहले ही ताले लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि लगातार जब यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में साफ सफाई को लेकर अगर कहीं भी प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही होगी, शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, या आखिर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जी पवनी की बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी लापरवाही है, तो इस पर अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया है? ग्रामीण क्षेत्र के अक्सर दूर दराज के स्थानों पर है, अब दूर दराज के स्थानों पर कोई भी अधिकारी जाने की जहमत नहीं उठाता है, जहमत इसलिए भी नहीं उठाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने के जो रास्ते हैं वो तक रहे हैं और तमाम जो सड़कें हैं वो खड़ी पड़ी है, ऐसे में अधिकारी उन रास्तों पर चलना मुनासिब नहीं समझते हैं और उन्हीं रास्तों के बीच में कहीं ना कहीं जाके ऐसी स्कूलें या ऐसी चीजें हैं जो बच्चों का या नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन को या शिक्षा विभाग को या आला अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बड़ी चीज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के साथ और नौनिहालों के जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और बड़ा खिलवाड़ इसलिए भी है कि लगातार जब इस तरीके की जो मरीजों की संख्या है डेंगू के मरीजों की वो बढ़ रही है और लगातार साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, तो ऐसे में अगर विद्यालय के अंदर इस तरीके की गंदगी व्याप्त है और शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, सेफ्टी टैंक उखड़ा हुआ है और वहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इस पर कार्रवाई होना निश्चित ही मुनासिब है। जी मयूरी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।